بسم الله الرحمن الرحيم ليس الانسان الا ما سعى आज मैं शॉर्ट एंड के स्कोप के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट खासतौर पर वो स्टूडेंट जो शॉर्ट एंड के साथ वो बसते हैं और वो एक अरसे से शॉर्ट एंड कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी सारी जो कन्फ्यूजनरी माइंडसेट या एक हमारी सोसाइटी में लोग बता रहे होते हैं जी ये शॉर्ट एंड आप कर लेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है चूँकि कंप्यूटर का दौर आ चुका है वगैरह वगैरह, तो इस तरह की बातें हो रही होती हैं सोसाइटी में। तो उन बातों को की नफी में करता हुआ आपको बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट एंड अभी भी बहुत इसका स्कोप है। हर डिपार्टमेंट में मैनी ऑफ जॉब्स अवेलेबल होती हैं इसकी हर टाइम, और चूँकि इस आपकी ड्यूटी जो है स्टेनोग्राफर की वो ऑफिसर्स के साथ होती है, तो कहा जाता है कि जो शॉर्ट हैंड है वो स्टेनोग्राफर है वो ऑफिसर का राइट हैंड होता है। तो राइट हैंड अगर ना हो फॉर एग्जांपल तो ऑफिसर तो बेकार हो जाता है। सो इसका स्कोप दूसरी बात यह है कि मैंने जो मेरी शॉर्ट हैंड अकेडमी है ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट हैंड के नाम से लाहौर में जो हमारा एक ब्रांच जो मेन ब्रांच है मैंने 2016 से मैंने स्टार्ट की थी। तो आज तक मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 35 से 35 स्टूडेंट जॉब होल्डर हैं और पंजाब पाकिस्तान के बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस में वो जॉब कर रहे हैं। लाइक मैं इरफान की बात करूँ, मोहम्मद इरफान इस्लाम तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जॉब कर रहा है। मेरा ख्याल है हमारे जैसे तबके के लोगों के लिए तो एक ख्वाब होता है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे डिपार्टमेंट में जॉब करना, लेकिन अगर आप शॉर्ट हैंड आपने करी हुई है तो आप बड़े इजीली सुप्रीम कोर्ट के जैसे इंस्टीट्यूशन में भी जा सकते हैं। दूसरे नंबर में बात करूँगा मानूर इकराम, मेरे पास आई की स्टूडेंट एक, तो अब तक उसकी 5 जॉब्स हो चुकी हैं और उसने मेरे पास जो काम किया या मेरे पास शॉर्ट हैंड सीखी वो अरसा उसका 9 महीने का था कमबेश, तो 9 महीने के बाद उसे 5 उसकी जॉब्स हुई और आज वो आईबी में अल्हम्दुलिल्लाह बैठी हुई है और बड़े अच्छी आईबी की जॉब है, आपको पता होगा सब लोगों को। उसके बाद अली हसनैन, वैसे तो बड़े सारे स्टूडेंट हैं जिनकी एक पूरी पूरी कहानियां हैं बट मैं 2-3 लोगों का हवाला देना चाहूँगा यहाँ पे। तो अली हसनैन उसके बाद आया, अली हसनैन बहुत ही डिलीजेंट स्टूडेंट था, हार्ड वर्कर था और जो है डिटरमेंट था, बहुत परसिस्टेंट था, तो उसकी भी माशाल्लाह 5 जॉब्स हो चुकी हैं और आज वो मूखा में अल्हम्दुलिल्लाह बैठा हुआ है। वैसे तो उसकी आईबी में हो गई थी, पाकिस्तान में रहते हुए अगर बात करें तो आईबी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बड़ी अच्छी हैंडसम अमाउंट में आपको सैलरी मिलती है, पे करता है आईबी, लेकिन चूंकि वो उसका माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट था, वो चाह रहा था कि मैं इंटरनेशनल लाइफ को इंजॉय करूँ, तो इसलिए फिर उसने चूज़ किया कि वो आईबी मूफा ही अब ज्वाइन करेगा। इसी तरह मेरे पास मैं एक बच्ची का हवाला देना चाहूँगा, मिस अफसा महमूद, वो किसी दूसरी एकेडमी से आई थी और जिस दिन वो आई थी उसे 1.5 साल हो गए थे उस एकेडमी में जाते हुए कमोबेश, लेकिन उसकी शॉर्ट हैंड इतनी ख़राब थी कि वो बहुत ही डिसअपॉइंट हुई हुई थी और मेरा ख्याल है कि 6 से 8 महीने के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको पॉलिश किया और आज वो भी आईबी में जॉब कर रही है 3 और 4 मंथ्स। तो इस तरह मैं ये बेसिकली मैं बताना जो चाह रहा था ये शॉर्ट हैंड का स्कोप ही है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। तो अगर आप भी शॉर्ट हैंड कर रहे हैं या आप शॉर्ट हैंड करना चाहते हैं और आप दूसरी सोसाइटी की बातों से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हैं तो मेरा ख्याल है तो आप सोसाइटी की बातों पर कान न धरें। तो वैसे भी जो बातें हैं वो तो लोग करते ही हैं, आपको अपने फोकस पे अपने फ्यूचर के लिए और दूसरी अपनी फैमिली को या जो भी आपके पर्पसेज हैं मकासद हैं ख्वाब हैं उनके लिए आपको काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, लोगों की बातों को एक साइड पे रखते हुए। थैंक यू सो मच।